वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चैल तो देखो आज की क्लास में हम जो हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है आपके पाइथन स्टेटमेंट्स है उसके बाद असेप्टिंग डेटा एज इनपुट फ्रॉम दी कंसोल एंड डिस्प्लेइंग आउटपुट तब आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एरर्स को करेंगे सिंटैक्स एरर लॉजिकल एरर रन टाइम एरर क्या होते हैं एंड देन हम इंडेंटेशन क्या होता है कैसे यूज करते हैं ये वाला टॉपिक भी आज की क्लास में कवर करेंगे ठीक है तो आज की क्लास में हम ये चार टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उसके बाद हम क्या करेंगे एम को कवर करेंगे अभी तक आपके जितने चैप्टर हो गए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये फाइव चैप्टर के हम क्या करेंगे एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे एंड देन हम फ्लो ऑफ कंट्रोल को स्टार्ट करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल में आपके कंडीशनल स्टेटमेंट आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स ये आ जाएंगे हम फिर उनको स्टार्ट करेंगे ठीक है एंड क्लास अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करना तो चलिए यहाँ पे देखिए जो हमारी पाइथन स्टेटमेंट अब पाइथन स्टेटमेंट काफ़ी ईजी सा टॉपिक है आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या होती है तो पाइथन स्टेटमेंट आपको पता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन होते हैं जो इंटरप्रेटर क्या करता है एग्जीक्यूट करता है

न्यू लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके स्टेटमेंट का यहाँ पे एंड हो रहा है ठीक है इट सिग्निफाइज दैट ईच लाइन ऑफ पाइथन स्क्रिप्ट कंटेन से स्टेटमेंट हर लाइन के एंड में क्या होगा आपको एक न्यू लाइन मिलेगा तो इससे क्या पता चलेगा इंटरप्रेटर को कि हर लाइन क्या है एक स्टेटमेंट है दीज ऑल हेल्प द यूजर टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट अब यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट होती है लेकिन यहाँ पे जनरली हमने इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है कौन कौन सी है पाइथन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ये पाइथन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जब हमने पाइथन एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन कौन से होते हैं इंटीजर एक्सप्रेशन कौन से होते हैं तो वो इसी में आ जाता है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कौन सी होती है इंटीजर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट कौन सी होती है इस टाइप से तो ये वाला हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सेकेंड है आपका मल्टीलाइन स्टेटमेंट ये हम आज की क्लास में कवर करेंगे कि मल्टी लाइन स्टेटमेंट क्या होती है एंड कैसे आप इनको यूज कर सकते हो उसके बाद थर्ड है आपके पाइथन कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट इसको हम बाद में करेंगे नेक्स्ट uh, क्लास में हम एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज के बाद हम कंडीशनल एंड लूप स्टेटमेंट जिसमें कि आपका इफ कंडीशन फोर लूप वाई लूप ये आ जाएगा उनको हम वहां पे कवर करेंगे ठीक है तो अब देखो मल्टी लाइन स्टेटमेंट क्या होती है अभी आपको पता है आप जब स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग भी होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती है कमेंट में भी हमने देखा था एक सिंगल लाइन कमेंट होता है एक मल्टी लाइन कमेंट होता है लेकिन ये क्या था जो स्ट्रिंग हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं वो आउटपुट में भी आपको मल्टी लाइन में दिखाई देती है है ना और जो कमेंट मल्टी लाइन की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में यूजर की रीडेबिलिटी के लिए क्योंकि इंटरप्रेटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करके देता प्रिंट नहीं करवाता है अब यहां पे स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो एक है आपकी सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स जो जनरली आपकी एंड होती है न्यू लाइन लाइन कैरेक्टर से ठीक है 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 दूसरी है आपकी मल्टी स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स अब एक बात बात ध्यान रखना ये ये जो की बात हो रही है, ये हम कहां पे यूज कर रहे हैं आपकी कोडिंग के अंदर इनको हम यूज करेंगे आप सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो या मल्टी लाइन में लिखना चाहते हो ये आप अपनी कोडिंग में लिखना चाह रहे हो लेकिन जब आउटपुट शो होगी ना तो आउटपुट वो आपको उसी कॉन्टिन्यूटी में शो करके देगा जिस कॉन्टीन्यूटी में आप सिंगल लाइन में लिखते तो अगर आप इनको मल्टीलाइन की जगह सिंगल लाइन में भी एज एग्जीक्यूट तो तो करके देता है ठीक है कैसे देगा अब यहां पे देखो इस एक एग्जाम्पल को समझो यहां पे यहां पे मैंने स्लैश को यूज किया है किसको यूज किया है स्लैश को <coughs> सॉरी इस स्लैश का यहाँ पे नाम क्या है कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टर स्लैश क्या नाम है यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टर स्लैश अब जी एक वेरिएबल है जिसमें मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास करी वेलकम स्लैश टू स्लैश आवर चैनल डबल कोट्स में क्लोज प्रिंट जी कितनी स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं वन टू थ्री थ्री स्टेटमेंट्स में हमने हमारे लाइन को लिख दिया कितनी लाइन यूज करी हमने यहाँ पे टोटल थ्री लाइन हमने यहाँ पे यूज करी एंड साथ में हमने यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टर स्लैश भी यूज किया कॉन्टिन्यूएशन कैरेक्टर का मतलब यही होता है कि स्लैश के बाद वो कॉन्टिन्यू में ही क्या करेगा प्रिंट करके देगा तो देखो आउटपुट इसको इसी तरह से मिलेगी वेलकम टू आवर चैनल ठीक है समझ में आई बात कि कॉन्टिन्यूशन कैरेक्टर हमें अगर यूज करें तो आपको कैसे कॉन्टिन्यूटी में आउटपुट दिखाई देती है अब ये जो लाइन कॉन्टिन्यूएशन है ये भी दो तरीके से डिवाइडेड है कौन कौन से दो तरीके हैं एक है आपका एक्सप्लिसिट लाइन कॉन्टिन्यूएशन और दूसरा है इम्प्लिसिट लाइन कॉन्टिन्यूएशन जब आप इस स्लैश को यूज करोगे कॉन्टिन्यूशन कैरेक्टर को यूज करोगे इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट लाइन कॉन्टिन्यूएशन याद रखना एक्सप्लिसिट लाइन कॉन्टिन्यूएशन कौन सा होता है जिसमें हम कॉन्टिन्यूशन कैरेक्टर स्लैश को यूज करते हैं एग्जाम्पल हमने अभी देखा है ना उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है इंप्लीसिट लाइन कॉन्टिन्यूएशन इंप्लीसिट लाइन कॉन्टिन्यूशन में हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस को ब्रैकेट्स में फिर चाहे आप पैरेंथेसिस यूज कर लो करली ब्रैकेट्स यूज कर लो स्केयर लार्ज ब्रैकेट्स यूज कर लो इंप्लीसिट लाइन कॉन्टिन्यूएशन में आप क्या यूज करते हो ब्रैकेट्स यूज करते हो अब एग्जाम्पल देखो ये आपका इंप्लिसिट लाइन कॉन्टिन्यूएशन है यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करवाया किसका यूज करके पैरेंथेसिस का यूज करके यहाँ पे मैंने दो कमेंट्स लिख दिए ये आपके क्या हो गए मल्टी लाइन कमेंट्स हो गए क्योंकि आपको पता है कि पाइथन के अंदर मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए कोई अलग से क्या नहीं है एक कोई भी सिंटैक्स या सिंबल नहीं है जी वेरिएबल है इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस स्टार्ट अब यहाँ पे आपको जितने भी स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स डालने हैं ना उनको आप डबल कोर्स में लिख दीजिए अपने टेक्स्ट कैरेक्टर को किस में लिख दीजिए डबल कोर्स में तो देखो हेलो को डबल कोर्स में लिख दिया नेक्स्ट लाइन में मैंने चलशा को डबल कोर्स में लिख दिया कुछ और आपको डालना है तो उसको नेक्स्ट लाइन में डबल कोर्स में लिख दीजिए और लास्ट में आपको क्या लगानी है पैरेंथेसिस लगानी है जी को प्रिंट करवाया ठीक है इसकी आउटपुट क्या आएगी इसकी आउटपुट ये एक सिंगल लाइन में लिख के देगा हेलो चलशा ठीक है अब यहाँ पे बात याद रखना कि अगर यहाँ हेलो और चैलचा के बीच में आपको स्पेस चाहिए तो आपको हेलो के बाद भी स्पेस देना पड़ेगा इसी तरह से अगर ऊपर यहाँ पे अगर हम इस स्लैश की बात करें आप चाहते हो जैसे आउटपुट में मैंने यहाँ पे हर एक में क्या आया है आपको स्पेस मिला है तो यहाँ पे आपको वेलकम और स्लैश के बीच में क्या देना पड़ेगा स्पेस देना पड़ेगा अगर बाय ये स्पेस नहीं देगा अगर आपने एकदम वेलकम के जस्ट बाद स्लैश यूज करा है तो इसका मतलब वेलकम और टू के बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा तो स्पेस आपको मैन्युअली यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा ठीक है तो ये हो गया हमारा इसके आउटपुट आ जाएगी एक ही लाइन में हेलो चलशा सेकेंड यहाँ पे हम एक लिस्ट को कर रहे हैं यहाँ पे यूज देखिए लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम आप लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हो स्केयर लार्ज ब्रैकेट्स का यूज करते हो अगर आप इसी लिस्ट को मल्टी लाइंस में लिखो फाइव कोमा नेक्स्ट लाइन में फोर कोमा थ्री कोमा टू कोमा वन और यहाँ पे क्लोज उसके बाद लिस्ट को प्रिंट करवा लिया अब आपने देखो दो वन टू थ्री टोटल थ्री स्टेटमेंट में लिस्ट को क्रिएट किया है लेकिन आउटपुट में ये एक ही लाइन में आएगा फाइव फोर थ्री टू और वन इसी तरह से आएगा अब अगर आप कोई कैलकुलेशन करना चाहते हो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज कर रहे हो देखो एड एक वेरिएबल है पैरेंथेसिस हमने यूज करी 50 प्लस नेक्स्ट लाइन में लिखा 40 माइनस नेक्स्ट लाइन में लिखा 52 अब ये इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा एंड जो रिजल्ट होगा वो आपको क्या मिलेगा नीचे ये शो करके देगा ठीक है इतना हमें समझ में आया कितना रिजल्ट आएगा इसका थर्टी एट तो समझ में आ गया ना आपको कि कैसे आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अब एक यहाँ पे चीज समझो यूजिंग ट्रिपल कोर्स अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था कि भाई आप ट्रिपल कोर्स का यूज करते हो तो आपकी स्टेटमेंट भी क्या होती है अलग अलग लाइन में यहाँ पे मैंशन होती है अब ये अलग अलग लाइन में मिल रही है तो इसको आप एक तरह से क्या बोल रहे हो लाइन ब्रेक क्या बोल रहे हो इसको लाइन ब्रेक भी बोल रहे हो तो ये वही मैंने आपको यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग को एक बार यूज करके दिखाया है कि जी इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोर्ट्स में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ट्रिपल कोर्स यहाँ पे क्लोज हो गया प्रिंट जी और यहाँ पे देखो तीन अलग अलग लाइन में आपको प्रिंट होके दिखाई दिया इसी तरह से आपको पता है कि मल्टीलाइन जो आपके ये ट्रिपल कोर्स है इनको हम मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने में भी यूज कर सकते हैं चलिए ये आपका स्टेटमेंट का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है उसके बाद आता है पाइथन इंडेंटेशन अब इंडेंटेशन पाइथन के अंदर काफी इंपोर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि मेन फंक्शन होता है करली ब्रैकेट्स होती है कोलन होती है जिससे कि इंटरप्रेटर कंपाइलर को यह पता चलता है कि कहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है कौन सी स्टेटमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करती है तो इसके लिए वहां पर काफी सारी चीजें होती है लेकिन पाइथन के अंदर ना कोई मेन फंक्शन है ना कोई कर्ली ब्रैकेट ना कोई सेमिकोलन तो इंटरप्रेटर को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी स्टेटमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करती है तो इसीलिए हम इंडेंटेशन का यहाँ पे यूज करते हैं इंडेंटेशन की हेल्प से इंटरप्रेटर को पता चलता है कि कौन सी स्टेटमेंट किस ब्लॉक की है ठीक है इंडेंटेशन क्या होता है जब भी आप कोई कोडिंग लिखते हो कोई लाइन लिखते हो तब स्टार्टिंग में आपने जो स्पेस छोड़ा है इस स्पेस को हम क्या कहते हैं इंडेंटेशन कहते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दो एग्जाम्पल को यहाँ पे समझिए अगर यहाँ पे इंडेंटेशन गलत है ना अगर आपने इंडेंटेशन अच्छे से प्रॉपरली नहीं दिया है तो कौन सा एरर आएगा इंडेंटेशन एरर आएगा अब इसको समझो इफ इज ग्रेटर देन ये इफ स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे तब अच्छे से बताऊंगी फिलहाल के लिए देख लो यहाँ पे इफ फाइव इज ग्रेटर देन टू एंड लास्ट में आपका कॉलन आता है इफ स्टेटमेंट के एंड में उसके बाद यहाँ पे प्रिंट फाइव इज ग्रेटर देन टू अब यहां देखो ये इफ स्टेटमेंट लगाई है प्रिंट किसके अंदर जा रहा है अगर फाइव ग्रेटर देन टू है तो आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए एंड यहां पे आपने प्रिंट से पहले एक स्पेस भी दिया है इसका मतलब क्या हुआ इंटरप्रेटर को समझ में आया कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ से बिलोंग करती है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए तो आउटपुट आपके पास आ गई ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल देखो इफ फाइव इज ग्रेटर देन टू कोलन प्रिंट फाइव इज ग्रेटर देन टू अब यहाँ पे एक तो इंटरप्रेटर को समझ में आया कि इफ स्टेटमेंट है मतलब एक तो आपका ये ब्लॉक है अब प्रिंट से पहले आपने कोई भी स्पेस नहीं दिया तो इंटरप्रेटर भी इसको क्या करेगा इफ के साथ क्या नहीं करेगा इफ के साथ इसको मैच नहीं कर पाएगा तो वो क्या देगा एक इंडेंटेशन एरर देगा क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम एक स्पेस देना चाहिए था इसीलिए इसने क्या दिया है इंडेंटेशन एरर दिया है समझ में आया अगर आप यहाँ पे ब्लॉक के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो ना तो आपको मिनिमम एक स्पेस देने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी बाय डिफॉल्ट पाइथन फोर स्पेस यूज करता है लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना स्पेस दे रहे हो मिनिमम वन स्पेस यहाँ पे आपको चाहिए यहाँ देखो इफ इफाइव इज ग्रेटर देन टू तो यहाँ पे मैंने एक स्पेस दिया है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी इफ फाइव इज ग्रेटर देन उसके बाद यहाँ पे मैंने फोर स्पेस दिए हैं एंड ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगी अब ध्यान से समझो कि ये आपका एक ब्लॉक है ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है एंड ये आपका सेकंड ब्लॉक है ये आपका क्या है सेकंड ब्लॉक है तो दो ब्लॉक्स के स्पेस अलग अलग हो सकते हैं तो यहां पे मैंने वन स्पेस दिया है यहाँ पे फोर स्पेस दिया है को कोई भी दो ब्लॉक है उनके स्पेस क्या हो सकते हैं अलग अलग हो सकते हैं लेकिन किस एक स्पेस की अगर हम बात करें मान लीजिए इस फर्स्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें स्पेस की नहीं ब्लॉक की अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर जितने भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे ना उनका स्पेस इक्वल होना चाहिए एक ब्लॉक के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स आएंगी उनका स्पेस क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए किन्हीं भी दो ब्लॉक का स्पेस डिफर कर सकता है लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉक का कि जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनका स्पेस इक्वल होना चाहिए ठीक है ये बात याद रखना अब इसी तरह से इस एग्जाम्पल को देखो यहाँ पे इफ फाइव इज ग्रेटर देन कोलन ये प्रिंट है इसमें वन स्पेस है एंड दूसरी स्टेटमेंट है इसमें आपको वन से ज्यादा आपने यहाँ पे स्पेस दिया ये दोनों ही स्टेटमेंट इस ब्लॉक से बिलोंग करती है तो यहाँ पे क्या आया आपका इनडेंटेशन एरर आ गया तो ये क्या होती है इनडेंटेशन होती है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड यह आपका टॉपिक है कंसोल का अब कंसोल क्या होता है जब हम पाइथन का इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो वहां पे जब हम मोड की बात कर रहे थे इंट्रेक्टिव मोड स्क्रिप्ट मोड तो वहां मैंने आपको कंसोल के बारे में बताया था ठीक है तो एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि कंसोल क्या होता है पाइथन के अंदर कंसोल को का मतलब क्या है शेल कंसोल को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं शेल बोल रहे हैं इज बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर दैट इज वन कमांड एट ए टाइम एंड इंटरप्रेट इट कंसोल क्या है एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है जो यूजर से इनपुट लेगा और आउटपुट देगा एक टाइम पे केवल एक ही कमांड लेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करके आपको वो शो करके देगा ठीक है अगर आपकी कमांड करेक्ट है तो आपको आउटपुट मिलेगी अगर गलत है तो आपको एरर मैसेज शो होगा जो कमांड प्रॉम्प्ट सिंबल कौन सा यूज होता है यहाँ पे वो होता है आप थ्री ग्रेटर देन सिंबल्स को हम लगाते हैं ये क्या है आपका कमांड प्रॉम्प्ट सिंबल है ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है क्या रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल इंडिकेट करता है कि अभी आपका जो कंसोल है वो यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है ठीक है समझ में आया ये इन जो आपका प्रॉम्प्ट सिंबल है क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका कंसोल यूजर से इनपुट लेने के लिए रेडी है अब इनपुट कैसे लोगे एक्सेप्टिंग इनपुट फ्रॉम कंसोल क्योंकि ये डायरेक्टली आपका सिलेबस में अलग से मेंशन है कि भी कंसोल से इनपुट कैसे लेंगे आउटपुट कैसे दोगे तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए एक फंक्शन यूज होता है वो है आपका इनपुट फंक्शन कौन सा फंक्शन यूज होता है आपका बाय डिफॉल्ट आपका इनपुट सॉरी इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज होता है एंड बाय ये एज ए स्ट्रिंग इनपुट लेता है इनपुट फंक्शन इनपुट क्या लेता है स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेता है अगर यहाँ पे इसको देखो प्रिंट एंटर डेटा ये प्रिंट पी स्मॉल है तो यहाँ पे लिखा आएगा एंटर डेटा उसके बाद है ए इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन आपने कुछ भी यहाँ पे एंटर करवा दिया हमने लिख दिया हेलो उसके बाद है प्रिंट योर डेटा इज प्रिंट योर डेटा इज एंड हेलो ठीक है ये तो हुआ हेलो भाई एक स्ट्रिंग है तो इसने इसको स्ट्रिंग में प्रिंट करवा दिया अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन और लगाओ टाइप ऑफ ए एंड प्रिंट करवाओ क्या हमने यहाँ पे टाइप ऑफ ए अगर हम प्रिंट करवाए तो ये इसको स्ट्रिंग प्रिंट करके देगा इसके डेटा टाइप क्या बताएगा ये स्ट्रिंग बताएगा अगर यहाँ पे एंटर डेटा और यहाँ पे ट्वेल्व लिखा और अब आप इसकी टाइप को प्रिंट करवाओगे तो भी ये स्ट्रिंग देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू एंटर करवाओ वो उसको एज ए स्ट्रिंग ही समझता है क्या लेता है उसको एज ए स्ट्रिंग वो इनपुट करवाता है अगर आपको स्ट्रिंग नहीं देनी इनपुट में आप चाहते हो कि वो इंटीजर वैल्यू ले मतलब उसका डेटा टाइप भी इंटीजर ही हो वो फ्लॉटिंग टाइप की वैल्यू ले तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कन्वर्जन फंक्शन यूज करने पड़ेंगे इसको हम क्या बोलते हैं टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन भी बोल देते हैं तो देखिए अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था टाइप कन्वर्जन फंक्शन में इंट फंक्शन यूज होगा तो यहां पे इस तरह से यूज करेंगे इंट पहले सबसे पहले आपको इंट लिखना है पैरेंथेसिस उसके बाद आपकी इनपुट फंक्शन यहां पे देखो नम टू इज इक्वल टू इंट इनपुट फंक्शन अब यहाँ पे आपने इनपुट में वन एंटर करवाया तो वो एज ए इंटीजर जाएगा नम टू में आपने टू एंटर करवाया तो वो एज ए इंटीजर जाएगा प्रिंट हो जाएगा वन प्लस टू रिजल्ट क्या आ जाएगा थ्री अगर आप इनकी टाइप भी प्रिंट करवा के देखोगे तो क्या आएगी टाइप इनकी इंट आएगी ठीक है उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी ये स्ट्रिंग है आप इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कौन सा टाइप कन्वर्जन फंक्शन यूज होगा फ्लोट फंक्शन यूज होगा इस तरह से हम फ्लोट फंक्शन यूज कर लेंगे ठीक है तो टाइप कन्वर्जन फंक्शन को आप इस तरह से क्या कर सकते हो इनपुट के साथ यूज कर सकते हो आउटपुट करवाने के लिए आपका प्रिंट फंक्शन यूज होता है कौन सा फंक्शन यूज होता है आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन यूज होता है प्रिंट फंक्शन का जो जनरल सिंटैक्स है वो क्या है आपका प्रिंट उसके बाद पैरेंसिस आपको जितनी भी वैल्यूज डालनी है आप कोमा के साथ उनको डाल सकते हो फिर यहाँ पे बाय ये सारी चीजें इसकी बाय डिफॉल्ट है। क्या है ये सब इसका बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है जैसे कि सेपरेटर के लिए ये बाय डिफॉल्ट यूज करता है स्पेस को बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन एंड के लिए स्लैश एन यूज करता है एंड मैंने आपको एंड कीवर्ड भी बताया था जहाँ पे हम एंड कीवर्ड यूज कर रहे थे है ना लास्ट क्लास में ही बताया था एंड की को कैसे काम है, default, करता, है? Slash, करता है. Five, default, है? है अब यहाँ पे देखो प्रिंट फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट एंड में क्या यूज करता है स्लैश एन यूज करता है फाइल इज इक्वल टू फाइव फ्लश इज इक्वल टू फ्लश ठीक है बाय डिफॉल्ट आपका फ्लश क्या रहता है यहाँ पे फॉल्स रहता है अब यहाँ पे पैरामीटर्स देखो वैल्यूज में आपकी कितनी भी वैल्यू आ सकती है जिनको आप कोमा से क्या कर सकते हो सेपरेट कर सकते हो सेपरेटर का यहाँ पे क्या यूज हो रहा है सेपरेटर यहाँ पे ऑप्शनल है एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका सेपरेटर क्या रहता है स्पेस रहता है एन एम्प्टी कोट इज यूज टू प्रिंट एन एम्प्टी लाइन एंड यहाँ पे की है ये भी ऑप्शनल है स्पेसिफाइज टू प्रिंट एट द एंड बाय डिफॉल्ट क्या है आपका बैक स्लैश एन है इसका मतलब कि एक न्यू ब्लैंक लाइन फाइल यहाँ पे ऑप्शनल रहेगा एन ऑब्जेक्ट विद राइट मैथड एंड बाय डिफॉल्ट पे कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो रहा है एन ऑब्जेक्ट विद ए राइट मैथड एस टी डी आउट फ्लैश भी ऑप्शनल है फ्लश की यहाँ पे दो वैल्यू हो सकती है ट्रू और फॉल्स बाई डिफॉल्ट क्या रहेगी इसकी वैल्यू फॉल्स रहेगी द फ्लश पैरामीटर अलाउज यू टू कंट्रोल वेदर द आउटपुट शुड बी इमीजिएटली फ्लश और बफर्ड बाई डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन बफर्स दी आउटपुट मीनिंग दैट इट मे नॉट बी इमीजिएटली डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और रिटर्न टू ए फाइट अगर फॉल्स है फॉल्स का मतलब क्या हुआ कि इमीजिएटली डिस्प्ले नहीं करेगा तो ये क्या हो गई आपकी बाकी की सारी क्या है आपकी वै ये सारी ऑप्शनल है ठीक है अब यहाँ पे देखो सेपरेटर एंड फ्लश फाइल ये सब क्या है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है इसका मतलब क्या हुआ अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर दो कि पहले फ्लश लिख दो बाद में एंड लिख दो लास्ट में फाइल लिख दो तो ये सब क्या है इनसे को जो रिजल्ट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कीवर्ड वर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है ये हम फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी टोटल चार टाइप्स की आर्ग्यूमेंट होती है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वेरिएबल कीवर्ड वेरिएबल ये हम वहां पे डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पे सेपरेटर एंड एंड फ्लश फाइल ये क्या है की वर्ड्यूमेंट से रिटर्न टाइप क्या रहेगी इट रिटर्न आउटपुट टू दी स्क्रीन अब मान लीजिए आपने प्रिंट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं डाली आपने सिंपली क्या लिख दिया प्रिंट और एक एम्प्टी पैरेंसिस के साथ इसका मतलब ये क्या करेगा कुछ भी यहाँ पे प्रिंट ना करके न्यू लाइन पे आपके कर्सर को शो करेगा इस तरह से आप अकेला बिना कोई भी स्टेटमेंट का बिना किसी भी वैल्यू के प्रिंट फंक्शन को यूज कर सकते हो ठीक है तो ये हो गया आपका आउटपुट के बारे में सिंपल देखो नेम इज इक्वल टू राम एज इज इक्वल टू थर्टी प्रिंट नेम यहां पे नेम प्रिंट हो गया प्रिंट एज एज प्रिंट हो गई तो इस तरह से आपकी प्रिंट हो जाएगी नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है एक और एग्जाम्पल देखो नेम इज़ इज़ इक्वल्स इक्वल्स टू टू राम अब एक प्रिंट के अंदर ही आपको क्या करनी है सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाओगे प्रिंट डबल कोर्स में हेलो माय नेम इज डबल कोर्स क्लोज तो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया उसके बाद कोमा नेम अब नेम के आगे कोई डबल कोर्स नहीं है मतलब नेम की वैल्यू क्या है राम एंड आई एम एंड आई एम एज एज की वैल्यू कितनी है 25 फाइव तो ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड तो एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो आपको जितनी भी वैल्यूज प्रिंट करवानी है वो प्रिंट कर सकते हो ठीक है कन स्ट्रिंग्स अगर यहाँ पे आपको प्रिंट करवानी है कन स्ट्रिंग्स मतलब आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग्स को एड करना चाह रहे हो उनको मिक्स कन करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे प्रिंट हेलो प्लस चैलशा यहाँ पे प्लस क्या हो रहा है आपका Concatenation के लिए use हो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको Hello, Chelsea. Next, यहां पे देखो इनपुट फंक्शन और प्रिंट फंक्शन को एक साथ कैसे यूज किया गया है प्रिंट टाइप ऑफ एन तो ये तो देखो एंटर पे यहां प्रिंट करवा दिया नंबर एंटर बाय यूजर 60 आ गया और इसकी टाइप क्या रहेगी स्ट्रिंग टाइप रहेगी क्योंकि आपने पे, ना तो कोई इंट यहाँ पे यूज किया है ना ही फ्लोट यूज किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट करेगा ये स्ट्रिंग को इसके टाइप में यूज करेगा तो ये क्या हो गया आपके इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन हो गई नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एरर का एरर क्या होते हैं एरर होता है कि भाई आपके प्रोग्राम में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो क्या है आपके एरर्स हो गए तीन टाइप के एरर होते हैं सिंटैक्स एरर रन टाइम एरर लॉजिकल एरर सिंटेक्स एरर क्या होते हैं सिंटेक्स एरर वो होते हैं जो आपके इंटरप्रेटर क्या करे इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द कोड क्योंकि आपने कोई ना कोई सिंटेक्स यहाँ पे गलत लगाया है इंटरप्रेटर को नहीं समझ में आ रहा कि उस सिंटेक्स का क्या मतलब है ये एरर कहाँ पे डिटेक्ट करेगा इंटरप्रेटर कंपाइल टाइम पे ही ये एरर डिटेक्ट हो जाते हैं एंड सिंटेक्स एरर अगर आप चाहता है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता ठीक है जब तक आप उस एरर को करेक्ट नहीं कर देते तब तक सिंटेक्स एरर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जैसे कि कोई इनकरेक्ट इंडेंटेशन हो मिसिंग कॉलम्स मिसिंग पैरथेसिस इनवैलिड ऑपरेटर्स या फिर कोई रिजर्व कीवर्ड को आपने एक वेरिएबल नेम में यूज कर लिया तो ये सारे आपके सिंटेक्स एरर है कंपाइल टाइम पे आते हैं ठीक है कंपाइल टाइम पे डिटेक्ट होते हैं रन टाइम एरर क्या होते हैं जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और तब कुछ गलत हो जाए कोई गलती हो जाए तो रन टाइम पे ये क्या होते हैं डिटेक्ट uh, होते हैं इनमें आपके कौन कौन से एरर आते हैं जैसे डिवाइड बाई जीरो एरर या फिर ट्राइंग टू एक्सेस एन इंडेक्स दैट इज आउट ऑफ रेंज इन एरर्स को हम क्या बोल रहे हैं एक्सेप्शन भी बोलते हैं और जो रन टाइम एरर होते हैं वो आप कैसे हैंडल कर सकते हो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को यूज करके सिंटेक्स एरर तो आपको खुद को करेक्ट करना पड़ेगा रन टाइम एरर के लिए हम यूज करते हैं ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक फिर एक आता है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर क्या होते हैं अब ये ना तो कंपाइल टाइम पे और ना ही रन टाइम पे किसी भी टाइम पे ये डिटेक्ट नहीं होते आपका प्रोग्राम रन भी हो जाएगा लेकिन जो आउटपुट है ना वो गलत आएगी आउटपुट या तो कोई गलत आएगी जो आपको चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि आप सिंटेक्स भी सही है कोई रन टाइम एरर भी नहीं है फिर आउटपुट गलत क्यों आई तो मान लीजिए आपको प्लस करना था और आपने वहां पे माइनस कर दिया तो आपका रिजल्ट गलत हो गया ये क्या हुआ आपने गलत लॉजिक लगा दिया तो लॉजिकल एरर क्या होते हैं जो गलत कैलकुलेशन की वजह से आते हैं गलत लॉजिक की वजह से आए वो एरर आपके क्या कहलाते हैं लॉजिकल एरर्स कहलाते हैं एग्जाम्पल देखो इसमें कौन कौन से आएंगे आपके जैसे इनकरेक्ट कैलकुलेशन इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन फ्लाउड लॉजिक ये सब आपके लॉजिकल एरर ठीक है थीक? तो ये थे आज की हमारी क्लास काफी इजी इजी से टॉपिक थे लेकिन एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नेक्स्ट क्लास में हम एम को कवर करेंगे एंड देन उसके बाद हम लूप और इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना थैंक यू